उद्योग विभाग बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा आयोजित 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन भागलपुर के 0 माइल के रेशम भवन में आयोजित किया गया। यह खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन खादी एक दिन खादी हर दिन के स्लोगन पर आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, भागलपुर सांसद अजय मंडल, उप मेयर सलाउद्दीन अहसन, बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु, भागलपुर एडीएम के अलावे कई गण्यमान्य अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के अंत में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद सबों ने खादी को बढ़ावा देने को लेकर अपने अपने विचार को अपने संबोधन में कहा। पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द बिहार बदलने का सोच आपके हाथ में है। जब तक परसेप्शन नहीं बदलिएगा, बिहार के उत्पादक अगर उपभोक्ता का राज है, उसका उत्पादकता का राज बदलने के लिए आपके हाथ में है। आप चीजों को कहिए, बिहार का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, हम बिहार का मसाला खाएंगे, बिहार का कपड़ा पहनेंगे, बिहार से बेटर कोई नहीं है। अगर बिहार है तो एक बार बिहार की अस्मिता के लिए अपना पैसा हम बिहार के प्रोडक्ट में लगाएंगे और उस ताकि उसके पीछे जो साम्राज्य है, परिवार है, उसको इंडायरेक्ट हम मदद करेंगे। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम 7 जुलाई से 16 जुलाई 10 दिनों तक 0 माइल के रेशम भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें खादी के बने चादर, साड़ी, दुपट्टे के अलावे कई चीजों के कई स्टॉल सजाए गए हैं। वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया कि खादी को लेकर बिहार सरकार विशेष पहल कर रही है। यहां जमीन पर्याप्त है, उस पर जल्द भवन तैयार होगा और खादी के लोगों के लिए उद्योग में काफी फायदा पहुंचेगा। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों को बिहार की चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए, जिससे बिहार की अपनी एक अलग पहचान हो और यहाँ के उद्यमी अपने व्यापार से ज्यादा आय अर्जित कर सके। साथ में उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव पूर्ण रूपेण महागठबंधन के पक्ष में है, भारी बहुमत से महागठबंधन सरकार बनाएगी। उन्होंने इशारों में कहा कि पूरे भारतवर्ष में कई पहलवान हैं, लेकिन इस वर्ष बिहार के पहलवान की ही जीत होगी, वही कुर्सी की शान बढ़ाएंगे। खादी उद्योग के कार्यक्रम में खादी के नायक कहे जाने वाले महात्मा गांधी को मंत्री व पदाधिकारियों ने अनदेखी करते हुए उन्हें कार्यक्रम के अंत में पुष्पांजलि दी। इस पर मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर मंत्री ने जवाब दिया कि हमें आयोजकों ने मंच पर ही बैठा दिया, मैं अपने मन से कैसे क्या करता। अब सवाल यह उठता है कि मंत्री जी के सामने महात्मा गांधी की फोटो रखी हुई थी, पुष्पांजलि के लिए फूल रखे हुए थे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया। शुरुआत में कार्यक्रम होने के बाद किया गया क्या? सही बात है, आपने सही। अरे आईडी पहले होना चाहिए था कि नहीं? आईडी हटा, यही कर रहे हैं। सीधे 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 चले गए, अभी सीधे आ गया मेरे साथ जी। सामने जैसे भी दिख रहा है, आप ही ना दिख रहे हैं, सीधे ले गए, सीधे ले गए। ये बात आपको समझ में पहले होना चाहिए, परसेप्शन इतना बढ़िया बना रहे ना, बहुत है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून, लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। प्यार, इश्क और धोखा में गई एक युवती की जान। ट्यूशन पढ़ाने के क्रम में छात्रा से हुआ था शिक्षक को प्यार, फिर की शादी और लड़की को मिला धोखा, जिसके बाद लड़की ने फंदे से लटक कर समाप्त कर ली अपनी जीवन लीला। कहने को तो गुरु शिष्य का रिश्ता काफी पवित्र होता है, लेकिन कलियुगी शिक्षक ने एक छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे प्रलोभन दिया और शादी कर ली। वहीं शादी के एक महीने बाद ही उसे धोखा भी दे दिया। तंग आकर युवती ने फंदे से झूलकर अपने आप को खत्म कर लिया। गौरतलब है कि दोनों युवक युवती गांव की हैसियत से रिश्ते में दूर के भाई बहन भी लगते थे। मामला भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी सलेमपुर का है, जहां पिता शंभू राम
मां पूनम देवी की 21 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी और कसवा गांव के रहने वाले राजेंद्र राम के 26 वर्षीय बेटे धर्मेंद्र कुमार की शादी एक महीने पहले हुई थी, लेकिन लड़के वाले की ओर से उनके परिजन इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए लड़की को ससुराल नहीं आने दिया गया। वहीं लड़का धर्मेंद्र ने कहा कि जब माँ पिताजी मान जाएंगे तब मैं तुम्हें ससुराल ले जाऊंगा। एक महीना बीत गया लेकिन लड़का लड़की को ससुराल नहीं ले गया। मोबाइल पर दोनों की कहासुनी हुई और युवती ने अकेला घर पाकर अपने माँ के घर में फंदा लगाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गौरतलब है कि शिवानी धर्मेंद्र से ट्यूशन पढ़ा करती थी। इस दौरान दोनों में आंखें चार हुई और यह प्यार का बुखार ऐसा चढ़ा कि शादी करने को दोनों तैयार हो गए। दोनों ने यह भी नहीं सोचा कि हम दोनों गुरु शिष्य हैं और गांव के नाते से भाई बहन भी लगते हैं। दोनों की शादी लड़की वालों ने एक मंदिर में करा दी, लेकिन लड़के वाले शादी से इनकार कर रहे थे। मामला यहीं पर नहीं थमा, दहेज के लिए भी लड़के वालों ने डिमांड शुरू कर दिया। इन सब बातों से तंग आकर युवती ने अपने मायके में फंदे से झूलकर अपने आप को खत्म कर लिया। वहीं शिवानी की मां पूनम देवी ने बताया कि मेरी बेटी उस लड़के से कई वर्षों से प्यार करती थी और गांव में भी यह चर्चा का विषय बन गया था, इसलिए हम लोगों ने दोनों की शादी मंदिर में करा दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका पति धोखेबाज निकलेगा। इस युवक के धोखा देने के चलते मेरी बेटी का यह हाल हुआ, अब मुझे इंसाफ चाहिए। गौरतलब है कि लड़की कहलगांव कॉलेज में ही बीए पार्ट 2 की छात्रा है और लड़का ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता था। वहीं लड़की अपने परिवार में अकेली बहन थी जिसके दो भाई हैं। दोनों पंजाब में मजदूरी करते हैं। पिता शंभू राम के काम का कोई निश्चित नहीं है और मां पूनम देवी एनटीपीसी में दुकान में काम करती है। मृत युवती की मां ने कहलगांव एनटीपीसी थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भी कराया। वहीं मृत युवती शिवानी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गरीब है, न घर है, न द्वार है, लड़की शादी करेगा। लड़का भी चुपया निकल गया एक नंबर का, इसको बार बार टॉर्चर करके उसके चलते इसका जान गया है। पहले से प्यार मोहब्बत था क्या? कब से प्यार मोहब्बत था? मैट्रिक का एग्जाम दिए उसी समय से अटैच था, उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी। अच्छा, वो टीचर था क्या? हाँ, पढ़ाता था। अच्छा, मतलब टीचर ही अपने स्टूडेंट के साथ ये कर रहा है? पढ़ाता था। अच्छा अच्छा, हम लोग को रिश्तेदार ही लगता है। तो कैसे क्या हुआ फिर? ये बोली क्या शादी करेंगे, शादी करेंगे। अच्छा, एक बार और भी की तो झगड़ा उगड़ा तो हम सबको मना भी किए। उसका मम्मी खूब उल्टा पुल्टा गाली गलौज, भाई ब्याह करी ले तुर बदरी, मेरा भाई देखे ब्याह करा दे कुमारे से, उल्टा पुल्टा उन्हें जो आया वो बोलने लगी। बोली क्या तो मेरा बेटा इसका घर में घुसता है। हम बोले जब तुम्हारा बेटा मेरा बेटी का घर में घुसता है तो उस समय तुम काहे ने अपना बेटा को निकाला? तो तंग करने के चलते आप बेटी कुछ ना कर ले, इसके चलते शादी करने के बाद भी पता चला है तो खूब उल्टा पुल्टा गाली गलौज खूब दी है बेटा को अपना बस में करके रखी। शादी करने के बाद वो ससुराल में रही? ससुराल गई न तो शादी कैसे करा दी? बोली क्या मम्मी हमको दो दिन में कामदान में शादी करा दो, नहीं तो हम लोग जो है भाग के अपने से शादी कर लेंगे। हम बोले कि जब इतना दिन से सबको जानबे कर रहा है, पूरा गांव हल्ला करिए दिया, उसका पूरा खानदान जानबे करता है, उसका जीजाजी भी इससे बात करके इसका पूरा पेट का बात लेके, उसका जीजाजी भी चुतिया एक नंबर का है, उसका बड़का भाई भी इसको रास्ता में बराहट में रोक के टॉर्चर किया है, पहला फुसला करके शादी भी कर लिया। वो लड़का पहला फुसला के शादी भी कर लिया, रंग बिरंग का चीज उसको दे के खरीद खरीद के शर्ट रे पैंट रे जूता रे मोजा रे पैसा को अभी पैसा इसको उधर, है। उधर के लोग नहीं मान रहे हैं, उधर का लोग नहीं मान रहा। तो फिर कैसे क्या की लड़की ने? बोली शादी कराएंगे तो हम मंदिर से करा दिए। अच्छा, वो अकेले आया मंदिर में सबको यहाँ। ये घटना कैसे कब क्या हो गई? घटना कल हुआ है, हमको लगता है बात नहीं हो रहा था, कल बात हुआ है, इसको कुछ टॉर्चर किया है, कोई ऐसा बात बोला है, वो आत्महत्या किया है। वो लड़का का घर में खबर भेजे है, कोई फोन नहीं लिया, कोई नहीं आया, बात भी नहीं किया, नहीं कॉल नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बोले तुम शादी क्या कम से कम मुखर नहीं खोल देगा, नहीं आया है। क्या नाम है लड़का? बात भी नहीं किया है। बात बेटा मैं उसका लड़का का नाम बेटी, बेटी का क्या नाम है आपका? मेरा बेटी का शिवानी कुमारी। आप उसकी माँ है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। कहाँ घर हुआ आपका? ससुराल हुआ सलमपुर संगी। अच्छा, ससुराल में ही, मतलब आप रहते कहाँ हैं अभी? रहते हैं भदेर में। भदेर में। हाँ। एनटीपीसी में जॉब भी कर रही हैं? हाँ।
शॉपिंग। लड़की की शादी कहाँ करवाए थे? लड़की की शादी यहीं शिव मंदिर में कराए थे सर। मतलब गांव कहाँ है लड़का का जो शादी? लड़का का गांव है बाराहट से आगे, मैंने वहाँ जो है ना मेरा फुआ का मेरा पापा का मैंने घर पड़ता है, तो जो है ना बोली क्या से फुआ मेरी कि यहाँ इकल्ला रहता है से इसको पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, ऐसे ले जाते हैं हमें इकल्ले में रहते हैं, नानिये के साथ रहती थी। अच्छा, बस वहीं रही जो बस वहीं रहते रहते। मतलब ट्यूशन के ही समय से? माने कि हम लोग का घर यहाँ पर है, उसका घर उतना दूर में, हम लोग का घर से उसका घर दिखता था, और उस समय से नानी करता था, उसका माय बुला उला के ले जाता था। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगेवीनाथ धाम में हावड़ा के कांवरियों का जत्था अनोखा कांवर लेकर पहुंचा। अनोखे कांवर को देखने व कांवर के साथ फोटो खिंचाने को लेकर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं हावड़ा के कांवरिया सोन माइक ने बताया, हर वर्ष अलग अलग अनोखा कांवर लेकर अजगेवीनाथ धाम से पैदल वैद्यनाथ धाम जाते हैं। बाबा भोलेनाथ हम सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए हर वर्ष भोलेनाथ के दरबार जाते हैं। इस बार महाकाल का स्वरूप व कांवर में शांति के प्रतीक एवं प्रेम के प्रतीक कबूतर का चित्र बनाकर 70 किलो का कांवर लेकर अजगेवीनाथ धाम से पैदल बाबानाथ धाम जाएंगे। 15 कांवरियों का जत्था है, बारी बारी से नियम निष्ठा के साथ सभी कांवर उठाते हुए बाबा के दरबार जा रहे हैं। हावड़ा से आए हैं, तो ये कांवर में क्या कितने का कांवर है? ये 15-15-30 लीटर का कांवर है। तो हम लोग उधर हावड़ा में तालुकेश्वर है, उधर जाते हैं हर पूर्णिमा में, उधर आए बाबा के पास जाएंगे। तो हर साल आप लोग आते हैं? हाँ आते। तो अलग अलग कांवर की इसी टाइप का? हाँ ऐसे ही इसी तरह अलग 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 हर साल लेके आते हैं। हाँ हाँ, इसके बाद बाबा को जो इच्छा होगा। तो कितने लोग का जत्था आप लोग? 18 जिस साल जितना हो पाता है। तो बारी बारी से लेके जाते हैं? कितने का वजन है ये कांवर में? कांवर होगा 50-60 से 70 किलो होगा। 70 किलो। तो क्या मनोकामना लेके बार बार इस तरह का कांवर लेके जाते हैं बाबा के दरबार? बाबा के दरबार में हर साल आते रहे, यही मनोकामना है बस। आपका मनोकामना पूर्ण हो बस, इसलिए आशा। हाँ बस। क्या बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में पूर्णिया से आए फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने सुल्तानगंज स्थित अस्थाई और अस्थाई होटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सभी होटल वालों को कहा गया है कि कांवरियों को खाना अच्छी दे और दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दिया गया है कि खाना को ढक कर रखे, जिलाधिकारी के द्वारा तय किया हुआ ही रेट ले। वहीं कांवरियों ने बताया कि खाना की क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन सभी होटलों में ठंडा खाना परोसा जाता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने होटल वालों को गर्म खाना परोसने को कहा। ट्रैवलिंग मेला के लेके आज हम लोग सदर अनुमंडल के जितने भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी थे सब मिल के टीम में मूल्य जो निर्धारित किया गया है उस मिल पर देखने के लिए निर्देश दिया गया, और जो भी कहीं कहीं से छोटा मोटा शिकायत प्राप्त हुआ उसको कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया गया है कि अगर आगे से अगर शिकायत प्राप्त हुई तो उस पर फिर कड़ी कार्रवाई की जाए। भागलपुर जिले का नवगछिया अनुमंडल केलांचल के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम नवगछिया की फसल की बात करें तो केला और मक्का अपने आप में एक अहम स्थान रखता है। यहाँ केला देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित नेपाल तक जाता है, लेकिन अब इसके उत्पादन में भी रोक लग गया है। इसका मुख्य कारण मौसम और सरकार के द्वारा विशेष पहल नहीं किया जाना है। नवगछिया किसान जहाँ केले की फसल से साल भर अपना जीवन यापन किया करते थे, आज वही किसान अपनी उपज
सस्ती दामों पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। कठोर मेहनत करने वाले केला किसानों का जीवन काफी कठिनाइयों भरा गुजर रहा है। नवगछिया अनुमंडल के मकंदपुर, भवानीपुर, तितरी, पकड़ा, खरीक, बीहपुर सहित अनुमंडल के कई क्षेत्रों में किसान बड़े पैमाने पर केले की खेती करते हैं। यहाँ के केले के उत्पादन करने वाले किसान का दर्द उभरा है। यहाँ किसान कई दशकों से केले की खेती कर रहे हैं, मगर उन्हें आज तक इसका उचित दाम नहीं मिला है। किसान बर्बाद हो गया, किसान के साथ बहुत, मतलब प्रकृति भी साथ नहीं दिया, सरकार भी साथ नहीं दे रही है। अभी क्या हो जाना चाहिए फसल को? फसल को तैयार हो जाना चाहिए। अभी बिकता 200 रुपया खनी, 200-250 रुपया खनी बिकता है। क्या रेट ना? अभी कुछ हो नहीं है, वही लोकल व्यापारी है, बाहर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। आम का भी दशा देखे कि वही हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। सावन का सीजन है, सावन का सीजन है, देवघर यार कहीं जाता है, वही बस लोकल। हाँ, देवघर, यही जमुई, कहलगांव, भागलपुर। मेहनत के हिसाब से आप लोगों को नहीं हो पा रहा है। भागलपुर में रेलवे स्टेशन चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने बताया कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश की जनता त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करने में लगी है। राहुल गांधी की सस्ता समाप्त कर गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज है पुतला दहन, हम लोग इसलिए किया है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आदरणीय राहुल गांधी जी, जो मोदी जो है उपनाम पर जो है जिसका बहस चल रहा था, माननीय न्यायालय, गुजरात हाई कोर्ट ने जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो है उनके विरुद्ध जजमेंट दिया है। जबकि मोदी, जबकि राहुल जी का कोई जो है कसूर नहीं है, ऐसा उपनाम कई होता है, ऐसा उपनाम मोदी जी, नरेंद्र मोदी के जगह पर जो है दूसरी मोदी भी है, सोहराब मोदी भी है, कई मोदी हैं, पीलू मोदी है, तो ये कौन सी बात हो गई कि अगर हमने उपनाम लेके जो है कहीं का कुछ कह दिया तो हमको ये पूरा, हम लोग को जो है उम्मीद है कि ये मामला जो है अभी जो है सीजे के बेंच में जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जा रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी जो है हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता एवं ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में ई कॉमर्स पर एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट कोलकाता, अमेजन दिल्ली, ई कॉमर्स पूर्वी क्षेत्र के DGFT सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। ई कॉमर्स पर आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में लोगों को सभी कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि कैसे हम आर्थिक जगत में अपने को सर्वाइव करें, इसके बारे में कई टिप्स दिए। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर के महासचिव CA पुनीत चौधरी ने कहा कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि आम लोगों को भी देश की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिसके लिए हम लोग यह पहल कर रहे हैं। इसी बाबत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, उम्मीद है इससे जुड़कर लोग आर्थिक जगत में काफी सहायता पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो अपने बिहार के हैं, उनको अवेयर करना कि एक्सपोर्ट जो है आज आप अपने जिले के अंदर से ही कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको कहीं पोर्ट जाना पड़ता था, कलकत्ता पोर्ट दूर जाना पड़ता था, बट क्या है, ई कॉमर्स आने के बाद से और डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद से आप अपने डिस्ट्रिक्ट जैसे भागलपुर के अंदर से ही आप अपने GPO में जाएंगे, वहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ई कॉमर्स जो एक काफ़ी बड़ा होने वाला है वर्ल्ड में, क्योंकि एक मेगा ट्रेंड की तरह से टेक्नोलॉजी के बाद डेवलप हो रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या है, ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी सोर्स है, लोग जो हैं छोटा मोटा जो काम कर रहे हैं वो भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। MSME सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ई कॉमर्स, और ग्लोबली देखा गया है कि MSME सेक्टर जो है ई कॉमर्स के वेब को राइड करके काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो हमारे लोग भी इसका फैसिलिटी ले सकें, उसका फ़ायदा ले सकें, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना ही आज की मीटिंग का उद्देश्य है।
भारत विकास विकलांग न्यास की सेवा और संस्कार प्रकोष्ठ पटना के तत्वाधान में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण हाथ पैर एवं पोलियोग्रस्त हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के व्यवस्थापक लक्ष्मी नारायण सेवा समिति एवं समाजसेवी परिवार भागलपुर ने जानकारी दी कि आयोजन 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार के नाम मानव सेवा कार्य के रूप में जाना जाएगा। जरूरतमंदों की सेवा 9 जुलाई को भूदरमल ढांडानिया देवीबाऊ धर्मशाला में आयोजित किया गया है। इसमें अपंगों के अंग का माप एवं जांच पटना से आने वाले विशेषज्ञ एवं डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाएगा। आयोजित शिविर दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क होगा। विकृति के शिकार अपंगजनों एवं पोलियोग्रस्त बच्चों का निबंधन अनिवार्य होगा। इसका लाभ समाज के आम जनों तक पहुंचाया जाएगा। शिविर में रोगियों का माप एवं जांच सफलतापूर्वक संपन्न होगा। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि निबंधन के समय दिव्यांग को प्रमाण पत्र, आधार नंबर की प्रति एवं मोबाइल नंबर व्हाट्सएप करना होगा। कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक श्याम सुंदर मस्करा ने जानकारी दी कि इस शिविर के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा द्वारा बिहार में बहार चलाने का भागीरथ प्रयास है। प्रेस वार्ता में महेश प्रसाद राय, अशोक भिवानी वाला, अमरनाथ चमरिया, अभिषेक जैन, अमरनाथ गोयनका, प्रवीण कुमार अग्रवाल, मोहनलाल चौधरी सहित समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। भागलपुर जिला अंतर्गत जगतपुर रेलवे ब्रिज के पास लोदीपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा और समाजसेवी विजय यादव मौजूद थे। वहीं संगठन के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अमिता कौशिक ने कहा कि इस शिविर में जिले के टॉप चिकित्सक डॉक्टर शीतल, डॉक्टर उज्जवल, डॉक्टर संदीप लाल और अन्य चिकित्सक निशुल्क चिकित्सा करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह का आयोजन संगठन की ओर से किया जाएगा।